अभी सवाल हुआ कि अच्छा जी मुस्लिम लीग नून बता दे कि आपने क्या किया, आपने कर्जा जो लिया 10,600 अरब रुपए कर्जा लिया हमने, नाम स्पीकर हमने इस कर्जे से जरब अजब और रद्दुल फसाद लड़ी है, हमने इस कर्जे से दयामीर बादशाह के लिए 123 अरब रुपए की जमीन खरीदी है, हमने नेवी शिपयार्ड को 40 साल के बाद रिन्यूअल के पैसे दिए, हमने सरगोधा में एयरफोर्स सेंटर ऑफ एक्सलेंस कायम किया, हमने पाकिस्तानी आर्मी के लिए बेशुमार तंसीबात को नया दोबारा बनाने के लिए फंडिंग की है, नाउ स्पीकर हमने 11,000 मेगावाट बिजली बनाई, हमने 2 एलएनजी टर्मिनल बनाए, हमने तरबेला 4 मुकम्मल किया, नीलम जेलम मुकम्मल किया, लवारी टनल मुकम्मल की, कच्ची कनाल मुकम्मल की, K3 K4 के न्यूक्लियर प्लांट जो किसी को हिम्मत नहीं थी पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर का नाम लेने की, वो हमने बनाए। रैप अप करें जी मैं रैप अप कर रहा हूं जी मुस्लिम वो भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी याद रखें। मैडम स्पीकर 1700 किलोमीटर की मोटरवे बनाई है, 8000 किलोमीटर की सड़कें बनाई चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, आजाद जम्मू कश्मीर में, 2000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई, 72 साल से जो ख्वाब था सिंध हुकूमत की मदद से थर कोल से पहले ही दफा बिजली निकलना शुरू हुआ, बिजली बननी शुरू हुई और गवादर से खुंजराब तक सी पैक बनाया जनाब स्पीकर, 10,600 अरब रुपया इस पर खर्च हुआ है। और साथ साथ मैं ये भी याद करा दूं कि इस हुकूमत ने 9 मई को सेनेट ऑफ पाकिस्तान में नंबर्स दिए वजारत खजाना ने कि मुस्लिम लीग नून ने अपने 5 सालों में नाउ स्पीकर एक एक नंबर फिर मैं कहता नोट किया जाए 33,50,69,00,000 के कर्जे वापस किए अपने 5 सालों में। तो ये कहते हैं जी कि हमने क्या दिया, हमने 3.9% महंगाई का रेट दिया जो आज 3 गुना हो गया, हमने 5.8% का ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ रेट दिया जो आधे से भी कम रह गया 3.3% रह गया, हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ 5.8% दी, जरा 3.8% दी, हमने बिजली